बहुत से लोगों का सवाल यह है कि बेस्ट माइलेज बाइक बताओ 160 सीसी में, लेकिन अगर यही सवाल उलट के किया जाए कि भाई आपको माइलेज वाली बाइक क्यों चाहिए 160 सीसी में, आप 125 सीसी बाइक ले सकते हैं, आप 100 सीसी बाइक ले सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। मतलब मैं आपके हर सवाल का जवाब फ्री में देने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने इस चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। अब देखिए यहाँ पर माइलेज को समझने के लिए देखिए लगभग टोटल 6 बाइकें आती हैं, जैसे अपाचे 164B, 2B हो गई, होंडा की 2 बाइकें हैं, SP160, यूनिकॉर्न 160, पल्सर N160 और एक्सट्रीम 164B, इतनी बाइकें आती हैं। अगर आपको जैसे माइलेज से कोई मतलब नहीं है, पावर ही चाहिए, तो आप कोई भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब बात माइलेज की आती है तो बात वहाँ पर अलग हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आप माइलेज के कॉन्सेप्ट को समझिए कि माइलेज कौन सी बाइक कैसे देगी। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आपको बता दे कि यार ये बाइक ले लो, ये फीचर्स मिलते हैं, इतना वजन है, और आपने जाकर बाइक ले ली, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, जब पेट्रोल पिएगी तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए सुनो, अच्छी तरीके से वीडियो देखो, क्योंकि मेरे पास अनुभव है, और अनुभव का मतलब होता है कि आपको लगभग 99% सारी बातें सच ही निकलती हैं, और इसलिए ही आप लोग हमें प्यार देते हो, और प्लीज़ ऐसे ही प्यार दिया करो भाई, प्लीज़। अब जैसे माइलेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बाइक का जो वज़न है वो कम होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है। अगर बाइक ओवर स्क्वायर इंजन के साथ है तो इसका मतलब वो अग्रेसिव पिकअप के साथ है, तो वहाँ पर आपको माइलेज के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जैसे ज़्यादा पिकअप मिलेगा तो आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, आप भगाओगे बुरी तरीके से, चिल्लाएगी बाइक, और जब आप ऐंठोगे ना तो मज़ा जितना आएगा, फिर मज़ा एकदम मज़े के चक्कर में आपका मज़ा हो जाएगा। इसलिए आपको समझना चाहिए कि माइलेज, पहली बात तो वज़न कम होना चाहिए, दूसरी बात अंडर स्क्वायर इंजन होना चाहिए जिसमें बोर छोटा और स्ट्रोक बड़ा, कंप्रेशन रेशियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसमें इंस्टेंट पावर तो नहीं मिलेगी लेकिन टॉप स्पीड मिलेगी, साथ में जैसे उसमें माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा मिलने के चांस 100% रहते हैं, जैसे उसका उदाहरण है बजाज प्लैटिना। और एक इंजन आता है स्क्वायर इंजन जिसमें बोर और स्ट्रोक दोनों ही सेम रहते हैं, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि अंडर स्क्वायर इंजन के साथ साथ में अगर वजन कम हो गया तो समझ लो बल्ले बल्ले एकदम मज़ा ही मज़ा आ जाने वाला है, आपको बढ़िया माइलेज मिलेगी। तो अब शुरुआत करते हैं, आपने माइलेज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब देखो भाई, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने कोई बीटेक की पढ़ाई नहीं की है, मैं रोज़ बाइकें रिपेयर करता हूँ, अभी तो कुछ छोड़ रखा है, और मैंने 23 साल 20 साल बाइकें रिपेयर की है, तो उसी के आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो, अब अगर आपको जैसे माइलेज मात्र 40 के अंदर माइलेज चाहिए, सबसे कम माइलेज चाहिए, तो आप अपाचे 164B की तरफ जा सकते हो। 145 किलोग्राम इस बाइक का वज़न है, लगभग इसका वज़न है 144 किलोग्राम इस बाइक का वज़न है, लेकिन भाई लगभग 17.18 PS की पावर आपको मिल जाती है, 17.55 PS, मतलब ये पावरफुल बाइक है। यहाँ पर आपको माइलेज की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बाइक को खरीदने का मतलब है कि आप पावर के लिए खरीद रहे हैं, तो आप 35, 40, 45, 42 ऐसे ही आप 40-42 माइलेज मानकर चलें। अब अगली बाइक है कि अपाचे 162B, इन दोनों ही बाइकों में ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है, इसीलिए इनमें RTR टेक्नोलॉजी आती है, मतलब कि रेसिंग थ्रोटल रिस्पांस, तो इसमें आपको अग्रेशन मिलेगा, पिकअप भयानक मिलेगा, इसलिए आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आप उड़ा उड़ा के चलाएंगे, हिरन बनाएंगे, तो फिर माइलेज कम मिलेगी। लेकिन अगर आप अपाचे 162B को देखेंगे तो मात्र 137 किलोग्राम की बाइक है, तो माइलेज अगर देखा जाए तो 40 से 45 के बीच में, या जैसे बहुत भयानक उड़ा उड़ा के चलाते हैं तो 40 से कम भी हो सकती है, अगर आप सही चलाते हैं 70-80 बस पटना कलकत्ता कर रहे हैं, तो फिर समझ लो आपको 45 प्लस भी हो सकती है, 46-47 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है, लेकिन मैं 50-50 की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, अगर आप बहुत अच्छा चलाते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए। अब यहाँ पर अगली बाइक जैसे पल्सर N160 आप ले सकते हैं, 155 किलोग्राम वजन है, और कंपनी ने जैसे बोर स्ट्रोक अभी नहीं बताया है, तो मतलब ये अंडर स्क्वायर इंजन के साथ ही आएगी, ये ओवर स्क्वायर इंजन तो जहाँ तक इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल इसमें स्मूथनेस मिलेगी, बढ़िया लुक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माइलेज की उम्मीद आप 40 से 45 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन चलाएंगे। मतलब जब आपको 60-70 ही चलाना है तो 125 cc ले लो ना, 100 cc ले लो, क्यों लोगे आप इसको, तो यहाँ पर भाई इसमें आपको लगभग 40 से 45 की माइलेज मिल जाएगी। इसके बाद बाइक आती है हीरो की एक्सट्रीम 160R 4B, यहाँ पर इस बाइक में बहुत ज़्यादा वजन नहीं है,
इसमें वजन आपको मिल जाएगा मात्र 145 किलोग्राम। बाइक में पिकअप आपको भयंकर मिल जाएगा और सारे जैसे यहाँ पर लुक और डिज़ाइन और फीचर्स की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बाइक भी आपको 45 तक की माइलेज दे सकती है क्योंकि वजन भी कम है, पावर भी ज़्यादा है। तो अगर आप सही चलाएंगे 45, 46, 47 भी हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, हो सकता है 50 दे, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई। तो यहाँ पर इतनी बाइकें मैंने आपको बता दी, अभी बारी आती है कि माइलेज के लिए आपको कौन सी चुननी चाहिए। तो देखिए, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ माइलेज है तो आपको चुननी चाहिए होंडा यूनिकॉर्न। अब ये बाइक आपको माइलेज क्यों देगी, आप इसके बारे में आप जरूर जान लो, क्योंकि इस बाइक में 162.7 सीसी का एयर कूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है, प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, 162 सीसी का इंजन है, 12.73 एचपी की मात्र पावर मिलती है, कहाँ कुछ बाइकों में 17 पीएस की मिलती है, इसमें मात्र 12.73 एचपी की, मतलब ज़्यादा पावर नहीं है, 14 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि 57.3 mm बोर है, लेकिन स्ट्रोक इसका 63.1 mm है, मतलब बोर छोटा है और स्ट्रोक मतलब बड़ा है, तो मतलब अंडर स्क्वायर इंजन के साथ ये आ रही है। तो ये चीज़ आपने इसमें देख ली। और वजन मात्र 140 किलोग्राम इस बाइक में है, तो वजन कम है, अंडर स्क्वायर इंजन के साथ आ रही है, ज़्यादा पावर नहीं है, लंबी सीट है। तो अगर आपकी इच्छा है कि आपको सिर्फ माइलेज वाली बाइक चाहिए तो आपको सिर्फ यूनिकॉर्न ही देखना चाहिए, फिर आपको लुक और फीचर्स, चाहे एनालॉग मीटर मिले, चाहे सब कुछ आप पिपिया टांग के चलाओ, वो मतलब नहीं है। आपको माइलेज वाली बाइक चाहिए तो होंडा यूनिकॉर्न 160 ही आपको खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस आपके मन में ये कीड़ा है कि आपको थोड़ा सा यार लुक बढ़ाओ, अगर आप ये कहते हो मिंटू भाई थोड़ा सा लुक बढ़ाओ, तो एक बाइक अभी बची हुई है, लेकिन पहले आप जान लो, कोई बाइक खरीदो उस पर M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश और M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर जरूर कर लो लगाओ, जिससे भैया उसका कलर बचा रहे, नहीं तो उड़ जाएगा, क्या फ़ायदा रहेगा, कहोगे बताया नहीं। मीशो, अमेजन और ग्लो रोड पर मिल रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर खरीदो। अगली बाइक है होंडा SP160, अब इसका भी आप कारण जान लो। तो भाई इसमें वही सेम टू सेम 162.71 सीसी का इंजन है, लेकिन 13.2 एचपी की पावर है, 14.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, और इसमें आपको 57.3 mm का बोर मिलता है, 63 mm का इसमें आपको स्ट्रोक मिल जाता है, और वजन मात्र 139 किलोग्राम है, क्योंकि इसमें वजन और कम कर दिया गया है, थोड़ी सी पावर जो वजन कम किया गया है उसकी वजह से बढ़ा दी गई, लेकिन ये बाइक लुक होंडा यूनिकॉर्न से ज़्यादा बेहतर लुक देती है। ये बाइक ज़्यादा बिकी नहीं, यूनिकॉर्न ही लोग खरीदते हैं, मैं पहले बता दूं। इस बाइक देखने में अच्छी है, चलने में ठीक ठाक है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, लेकिन ये बाइक ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन बाइक में ऐसा नहीं कि कोई कमी है, बाइक में लुक अच्छा है, डिजिटल मीटर मिल जाता है, आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इस बाइक को खरीदेंगे तो आपको माइलेज भी मिल जाएगी और लुक भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहें तो जब आप सिर्फ माइलेज के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो होंडा यूनिकॉर्न 1,40,000 के आसपास आ जाएगी, और ये 1,45,000 से 48,000 रुपये के आसपास आ जाएगी। बाकी जितनी बाइकें मैंने आपको बताई 1,60,000, 65,000, 70,000 रुपये तक मिलेगी, क्योंकि सब में अपसाइड डाउन फॉर्क और बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो वहाँ पर उसके पैसे तो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो मेरे पास कमेंट आया था भैया माइलेज के लिए बताओ, तो मैंने माइलेज के लिए बता दिया कि होंडा SP160 और यूनिकॉर्न 160 आपको माइलेज दे सकती हैं। अब फीचर्स मिले या ना मिले और जैसे प्रॉब्लम क्या आ रही हैं वो आपको आगे देखना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती है, आप जानते हैं कि जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, होंडा ने जैसे इसको कम कीमत में इसलिए बनाया क्योंकि बहुत जगह इसमें पैसे की बचत की गई है, जैसे कुछ बिल्ड क्वालिटी में, कुछ फीचर्स में कट करके ही इतना सस्ती बाइक बनाई गई है 160 सीसी की, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। तो मुझे आपको ये बताना था कि बेस्ट माइलेज बाइक कौन सी है, जो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिया। आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करोगे, अपनी राय आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ पॉलिश को जरूर खरीदें जिससे आपकी बाइक चलती रहे, चमकती रहे और आपकी शान बनी रहे, आपका स्टैंडर्ड बना रहे, क्योंकि जब फटे हाल में हो जाते हैं बाइक अच्छी नहीं दिखती तो मज़ा नहीं आता, इसलिए ज़रूर खरीदें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।